धनबाद आरपीएफ और चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वाधान में धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर मानव तस्करी को लेकर जागरूकता अभियान यात्रियों के बीच चलाया गया। अभियान के माध्यम से यात्रियों को ये मैसेज दिया गया कि 182 नंबर डायल कर मानव तस्करी की सूचना आरपीएफ को दें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये स्पष्ट किया कि मानव तस्करी के माध्यम से बच्चों खासकर लड़कियों को बदनाम गलियों में बेच दिया जाता है, जबकि बच्चों से बंधुआ मजदूरी या फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। सक्रिय गिरोह के लोग इसको अंजाम देते हैं। आरपीएफ उनके हौसलों को आम लोगों के सहयोग से पस्त करने में जुटी है। 182 एवं 1098 पर फोन के माध्यम से इसकी जानकारी देकर एक या उससे अधिक मासूमों की जिंदगी बचा सकते हैं। 10, 9, 8 और पापा कोई उसको किडनैप करके ले जा रहा है, तो आप लोग इस नंबर समझ रहे हैं आप कितना महत्वपूर्ण काम है। तो इसीलिए आप लोग के सहयोग के लिए आप मेरे काम से कितना संतुष्ट हैं, किस तरीके से बंधुआ सुगम साधन है परिवहन का, यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, इसलिए बंधुआ मजदूरी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी बहुत आसानी से की जा सकती है। इसके लिए हम लोग समय समय पर अभियान चलाते हैं, काम करते हैं। इसके आज भी हम लोग ने यहाँ जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें सभी लोगों को जागरूक किया किसी भी प्रकार में किसी भी मानव तस्कर या दलाल के चक्कर में ना पड़े और अपने सुरक्षित रहें, क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल का प्रथम उद्देश्य है यात्री सुरक्षा। यात्री सुरक्षा के साथ साथ हम लोग मानव सेवा पे भी बहुत जोर देते हैं। हमारे अधिकारी लोग हमेशा बोलते हैं मानव सेवा करें, इसी के तहत हम लोग ये प्रोग्राम चलाए हैं कि किसी भी मानव तस्कर को अगर लोग देखते हैं, यात्री लोग मानव तस्कर को देखते हैं, कोई भी ऐसी घटना देखते हैं या कोई भटका हुआ बच्चा देखते हैं, तो उसके लिए रेलवे सुरक्षा बल GRP और रेल प्रशासन को सूचित करें।